कांग्रेस की आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के लिए हालात बुरे हो रहे हैं और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। राजनीतिक जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि कहीं महाराष्ट्र जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी ना हो जाए। दरअसल राज्य की भूपेश बघेल सरकार में पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देने के साथ या कहते हुए खलबली मचा दी कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। हालांकि सिंहदेव स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर विभाग में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। उनका कहना है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है और फिलहाल वो कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन जीवन में कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। इस्तीफे के एक दिन पूर्व उन्होंने संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। टीएस सिंहदेव के इस निर्णय ने भूपेश बघेल कैबिनेट में भूचाल ला दिया है। बताया जा रहा है कि सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काफी लंबे समय से दोनों के बीच तनातनी के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में चार पन्ने के इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें सरकार में दरकिनार किया जा रहा है। गौरतलब है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को अब निर्णय ले लेना चाहिए। वहीं पिछले 3.5 साल के भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में न सिर्फ टीएस सिंहदेव की लगातार उपेक्षा की गई बल्कि उन्हें कमजोर भी किया गया। टीएस के समर्थक विधायकों ने भी पाला बदल लिया। सिंहदेव के खास समर्थक माने जाने वाले विधायक भी अब उनके साथ नहीं हैं। अपने विभाग के कई कामकाज को लेकर उन्होंने भूपेश बघेल को पत्र लिखा जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लगातार उपेक्षा से उन्होंने अब सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि पहले प्रदेश में 2.5-2.5 साल के सीएम फार्मूले पर हमेशा चर्चा होती रही है। भूपेश बघेल हमेशा इससे इनकार करते रहे, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इशारों में 2.5-2.5 साल के फार्मूले पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेने को लेकर जोर दिया। हालांकि इस पर कोई निर्णय नहीं होने व लगातार सरकार में उपेक्षा से वे खासे नाराज चल रहे हैं। कई बार इसे लेकर वो दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हो सका है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच यह भी कयास लग रहे थे कि टीएस सिंहदेव पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा या आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। अगला निर्णय भविष्य की गर्त में है। जीवन में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। वहीं जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तब से माना जा रहा था कि टीएस सिंहदेव के पास समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा है और वे सीएम बनेंगे। फिर जब भूपेश बघेल सीएम बने तो 2.5-2.5 साल के मुख्यमंत्री का फार्मूला सामने आया। लेकिन इस खींचतान के बीच न सिर्फ सिंहदेव की उपेक्षा होने लगी बल्कि उन्हें कमजोर भी किया जाता रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रवास शुरू किया तब टीएस सिंहदेव ने उनके समानांतर दौरा कार्यक्रम जारी कर दिया। सरकार ने उन्हें हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया, उन्होंने अपने खर्चे पर किराए का हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनकी अनुशंसाओं की फाइलें भी डंप की जाती रही। सीएम के प्रवास के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने भी शिकायत की है कि सरकार में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना मंत्री, ना विधायक। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।